हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल, मेरा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे 15 अगस्त स्पेशल पिज्ज़ा, आप इसको सैंडविच भी बोल सकते हैं। आज मैं इसको कैसे बनाऊँगा ये जानने के लिए वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। दोस्तों, आप सब तो घर में पिज्ज़ा नॉर्मल ही ऐसे बनाते हैं, लेकिन आज मैं पिज्ज़ा को तिरंगा झंडा के जैसे ही बनाऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा। और आज की जो पिज्ज़ा है ये एकदम तिरंगा झंडा जैसे तीन रंग का दिखेगा, ये देखिए। तो फिर चलिए दोस्तों, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल, ये देखिए दोस्तों, ये है पनीर। पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। अभी हम पनीर को तेल में फ्राई कर लेंगे, ये देखिए हमने इसे पनीर को डाल दिया है। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो पनीर को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा फ्राई करके खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पनीर को थोड़ा फ्राई करके लिया है। ये देखिए अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल देंगे, ये देखिए हमने इसको प्लेट में निकाल दिया है। अभी हम उसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा शिमला मिर्चा और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। हमें सारे सब्जी को थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करना है। अभी हम इसको भी प्लेट में निकाल देंगे, ये देखिए हमने इसको प्लेट में निकाल दिया है। अभी हम कढ़ाई में हल्का सा तेल डालेंगे और हम अभी फ्राई करेंगे काटा हुआ प्याज। अभी हम प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारा प्याज भी हल्का सा फ्राई हो गया है। अभी हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए हमने इसको भी प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम डालेंगे गाजर और गाजर को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गाजर को हमने ग्रेट करके लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके सबको फ्राई कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पनीर, ये फ्राई हो गया है। और इसके साथ है प्याज और ये देखिए है गाजर और ये रहा शिमला मिर्चा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम छोटा कटोरी में लेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा म्यूनिस सॉस और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हम इसको मिक्स करके पिज्ज़ा सॉस बनाएंगे। ये देखिए अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। अभी इसको साइड में रखते हैं, चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड लिया है। अभी हम एक ब्रेड लेंगे, अब ब्रेड का ऊपर हमारा बनाया हुआ सॉस को इस तरह से इसका ऊपर लगा देंगे। हमें इसका ऊपर अच्छी तरह से सॉस को इस तरह से फैला लेना है। अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा गाजर, गाजर को हम थोड़ा साइड में रखेंगे और बीच में अभी हम डालेंगे पनीर। ये देखिए दोस्तों, यह पनीर, इसको भी हम अच्छी तरह से इसमें इस तरह से डाल देंगे। इसको हम बीच में रखेंगे और नीचे में डालेंगे हमारा शिमला मिर्ची, इसको भी अच्छी तरह से इसमें इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसका ऊपर हल्का हल्का प्याज को डाल देंगे और प्याज को डालने के बाद अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चीज़। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका ऊपर चीज़ को डाल दिया है। और इसी तरह हम एक एक करके सारे ब्रेड को बना के रेडी कर लेंगे और इसको हम तवा पे फ्राई करेंगे। अब हम इसका ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए, हमने तवा को पहले ही गर्म कर लिया था। अभी हम फास्ट स्टेज में दो ब्रेड को इसमें रखेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और ये बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारा तिरंगा वाला ब्रेड पिज्जा बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा और कलरफुल लग रहा है। और इसी तरह हम एक एक करके सबको बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा तीसरा बन गया और ये बन गया चौथा। अब हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको एक खाली पॉलीथीन के पैकेट में डाल के इसको डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमने डाल दिया सोया सॉस और ये बन गया हमारा तिरंगा स्टाइल में पिज्ज़ा। दोस्तों, आज मैं जिस तरीके से आपको ये रेसिपी बना के दिखाया हूँ, मेरे बताए हुए तरीके से
आप इसको एक बार घर में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।